हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे कि आपके हेयर्स एकदम रूट से ख़त्म हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं होंगे। क्या आप भी पार्लर जाके अपना वैक्सिंग कराती हैं और रेज़र द्वारा अपने हेयर्स रिमूव करवाते हैं? किसी किसी और जब वैक्सिंग करवाते हैं तो बहुत ही मोटे और तीखे बाल निकलते हैं, जिन्हें रिमूव कर बार बार जब हम रिमूव करवाते हैं तो उनकी रूट्स जो हैं वो हमेशा के लिए वो ग्रोथ। मैं अभी आपके सामने एक ग्राफ दिखाती हूँ कि देखिए कितनी जल्दी जल्दी इसके हेयर्स रिमूव होते हैं, किससे? रेजर से ऐसे और क्रीम से, और इस तरीके से ये हेयर्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं। और जो ये होम रेमडीज आप यूज़ करते हैं तो उससे आपके हेयर जो हैं परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं जब रेगुलर आप यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाती हूँ एक अच्छा अमेजिंग वाटर जिससे कि हेयर्स पे बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है और रिमूव कर देता है जड़ से। ये मैंने ले लिया है थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, और हम थोड़ा सा ही इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। अब हम इसका एक पानी तैयार करेंगे जिससे कि जो हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ को फिटकरी बहुत कम कर देता है और सोडा भी उसे वीक कर देता है, हेयर उसको वीक कर देता है, हेयर जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं होते हैं। ये देखें, ये पानी बनके तैयार हो चुका है। ये वाटर आप चाहें तो बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आप वैक्सिंग कराएं या थ्रेडिंग कराती हैं या रिमूवर क्रीम लगाती हैं तो उससे आप इसे पानी से वॉश कर दीजिए तो आपके हेयर्स फिर जल्दी नहीं निकलेंगे। अब एक हम मैजिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, नींबू। नींबू जो होता है, लेमन जो होता है, वो हेयर्स रिमूव कर हेयर्स की ग्रोथ को रोकता भी है और टैनिंग भी ख़त्म करता है। जो हमारी बॉडी पे कालापन आ जाता है उसे ये ख़त्म कर देता है। और हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। जैसा कि आप जानती हैं, मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं बेकिंग सोडा से हेयर्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। अब एक मैजिकल चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो है कोलगेट। कोलगेट जो है वो टैनिंग ख़त्म करता है, क्लीनिंग करता है, ब्लैक हेड्स जो हो जाते हैं उन्हें भी ख़त्म कर देता है। कोलगेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी से क्लीनिंग करने में, जो ब्लैक हेड्स हैं, कालापन है, उससे ख़त्म करता है। ये कोलगेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोलगेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे हम केमिकल युक्त जो भी केमिकल युक्त चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये कोलगेट जब हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है और कालापन ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मलाई। आपके पास ताज़ी मलाई है तो ताज़ी ऐड कर दीजिए, आपके पास रखी हुई मलाई है वो भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो थोड़ा सा दूध या इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकती हैं। इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कोलगेट और भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये होम रेमडीज़ यूज़ करती हूँ इसलिए ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं होती है, लेकिन आप सबको दिखाने के लिए मैं आपसे ये रेमडीज़ मैं बार बार यूज़ करती रहती हूँ। मैंने सबसे पहले पैर को आपको वॉश कर लेना है। मैंने फिटकरी के पानी से वॉश किया है। फिटकरी का पानी जो है वो जो हेयर्स की जड़ें होती हैं उसके अंदर जाता है और उसके रूट्स को ख़त्म कर देता है, एकदम वो ख़त्म कर देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। इसको हमें फिर इसके बाद इसको पोंछ लेना है, अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है, पानी को हटा देना है। उसके बाद जो हमने रेमेडी बनाई है उसे हमें फिंगर से या स्पून की मदद से हमें लगा लेना है, अच्छे से मोटी लेयर में लगाना है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आप मोटी लेयर में लगाइएगा, और कम से कम इसे आधे घंटे तक लगा के रखना है। मेरे में हेयर ग्रोथ नहीं है, बस शुरुआत ही हुई थी और मैंने ये रेमेडी फिर से यूज़ कर ली तो आप एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और जल्दी जल्दी इससे हेयर ग्रोथ होती भी नहीं है। मैं कभी भी वैक्सिंग नहीं कराती हूँ, थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ, ना ही हेयर रिमूवर क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ, घर पे भी नहीं और पार्लर भी नहीं जाती।
तो इस रेमेडी का यूज़ करते हैं, अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहते हैं कि तो आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। मैं ये रेमेडीज़ आपको जैसे आपके पास वीडियोस लेके आती हूँ तो रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, तो मेरे हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल भी ना के बराबर होती है हेयर ग्रोथ। जैसे ही होने लगती है कोई और रेमेडी यूज़ करती हूँ तो इससे हेयर ग्रोथ नहीं होती, इससे पैसा और टाइम दोनों बचता है। पार्लर जाते हैं, घंटों समय हम गुजारते हैं और हमारी स्किन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, स्किन पे कालापन आ जाता है। देखिए हेयर ग्रोथ है थोड़ी हल्की हल्की ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको क्रीम के ऊपर से दिख रहा होगा कि हाँ हेयर ग्रोथ है, हल्की सी है। हम आधे घंटे तक इसको रखेंगे, उसके बाद हम हेयर्स रिमूव कर देंगे, इसको क्रीम को हटा देंगे। हम कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले लीजिए, देखिए हेयर्स हट रहे हैं एकदम बिल्कुल भी, ये देखिए इसमें आगे जो भी हल्की फुल्की ग्रोथ थी वो सारी इससे हट गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अगर होम रेमडीज नेचुरल तरीके से आप अपने हेयर्स को रिमूव करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हेयर्स तो रिमूव ही हो जाते हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये रेमेडीज़ मैं आप सबके सामने एकदम नेचुरली लेती हूँ, ट्राई एंड ट्रस्टेड रेमेडी होती है, मैं पहले ट्राई करती हूँ उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप जैसे किसी जैसे मोटे और तीखे हेयर्स हैं तो आपको हो सकता है एक बार में हेयर्स रिमूव ना हो, लेकिन थोड़े बहुत ज़रूर होंगे, अगर नहीं होते हैं तो 2-3 बार आप इस्तेमाल करिए। अगर मैं जो भी हाथों और पैरों पर लगाती हूँ वो आप फेस पर मत यूज़ कीजिएगा, फेस पे मैं जो रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ बस वही रेमेडी आप यूज़ करिएगा। कभी कभी होता है टीनेज ईयर के बच्चे होते हैं और ये रेमेडी यूज़ कर लेते हैं तो हो सकता है उनके स्किन पे कोई नुकसान पहुँच सके। वैसे कोई भी नहीं 100% नेचुरल होती है, लेकिन टीनेज ईयर के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो उनके लिए आप अपने हाथों और पैरों पे यूज़ कीजिएगा, चेहरे पर नहीं। ये देखिए इतने भी अगर ग्रोथ है तो भी वो एकदम ख़त्म हो जाती है हेयर ग्रोथ, नेचुरल तरीके से ये करिए ख़त्म हो मतलब हेयर रिमूव कीजिए। और जो मैंने फिटकरी का पानी बना के रखा है उसे हमें फिर से लगा लेना, जो भी रूट्स खुल गई हैं, जो भी पोर्स खुल गए हैं उन्हें ये जड़ अंदर तक जाएगा और जड़ को एकदम कमज़ोर बना देगा, जल्दी नहीं होते हैं हेयर्स इससे। और इसको हमें लगा के बस 5 मिनट रखना है, उसके बाद इसको पोंछ देना है एकदम साफ़ कपड़े से या किसी कॉटन से आप इसे पोंछ दीजिएगा, जिससे कि ये ग्रोथ जल्दी जल्दी ना हो। और हेयर्स ये फिटकरी का पानी है, सोडा है और टूथपेस्ट है, तो आप ये सब चीज़ें हेयर्स को रिमूव करती हैं। ये देखें 5 मिनट रखने के बाद हमें एकदम क्लीन कर लेना, उसके बाद अपने जो अगर फेस पे लगा रहे हैं, हैंड्स पे लगा रहे हैं, लेग्स पे लगा रहे हैं तो उसे हमें मॉइस्चराइज कर देना है, क्योंकि इससे तीखापन आ जाता है, जिससे कि हेयर्स रिमूव करते हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि हाँ हेयर से उसके थोड़ा सा खिंचाव होने लगता है, तो उसे हम मॉइस्चराइज कर देंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको देख लाइव दिख रहा होगा कि हाँ एकदम हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कितनी पसंद आई मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कितनी हेल्पफुल लगी और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई यूज़फुल वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।